solve word problems on length in exercise number 46. ठीक है, word problem क्या होता है बेटा? word problem ये होता है कि हमको जो भी जो values है इसको plus या minus करना है, तो हमको एक सेंटेंस के थ्रू या वर्ड्स के थ्रू में लिखा रहता है जिसको हमको समझना पड़ता है कि ये प्लस होगा या माइनस होगा. ठीक है, उस पर डिपेंड रहता है आपके सेंटेंसेस के ऊपर. ठीक है, चलिए फर्स्ट हम देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ रोप, आर ओ पी ई रोप, रोप मीन्स रस्सी, रोप मीन्स रस्सी. देखो सपोज ये रोप है, ठीक है, रोप किसको बोलते हैं? रस्सी को बोलते हैं. ठीक, अ रोप इज कट इंटू टू पीसेस. एक रस्सी को हमने कट कर दिया, बीच से कट कर दिया. ठीक है, देखो मैं यहाँ पर आपको बताती जा रही हूँ और सबको साथ में आपको बता भी रही हूँ. एक रस्सी, एक रोप है, उसको हमने बीच से कट कर दिया. ये देखो मैंने इसको कट कर दिया, जैसे क्वेश्चन है वैसे मैंने किया. अ रोप कट इंटू टू पीसेस. अब मेरे को टू पीसेस मिल गए, वन पीस और टू पीस. ओके, ना उसके आगे देखते हैं. लेंथ 5 मीटर 30 एंड 4 मीटर 79 सेंटीमीटर. जब मैंने एक रोप को बीच से कट किया, टू पीसेस कर दिया मैंने कट करके, तो एक पीस का लेंथ कितना था? लंबाई. लेंथ मीन्स लंबाई. तो वन पीस की लंबाई कितनी थी? 5 मीटर 36 सेंटीमीटर. सपोज इस रोप का लेंथ कितना है? 5 मीटर 36 और दूसरे पीस का लेंथ कितना है? 4 मीटर 79 सेंटीमीटर. ठीक है, आपको लोग समझ में आया? एक रोप को मैंने टू पीसेस में कट किया, एक का लेंथ इतना है और दूसरे का लेंथ कितना है? दूसरे पीस का इतना. ठीक है, दोनों पीसेस की हमको लेंथ पता है क्योंकि क्वेश्चन में दिया है. ओके, अब आगे करते हैं. 4 मीटर 79 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली. ओके, सो व्हाट वाज द ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रोप? तो उसकी एक्चुअल लंबाई कितनी थी उस रोप की काटने से पहले? उसकी एक्चुअल, उसकी लंबाई कितनी थी? हमने तो काटने से पहले इसको तो लेंथ मेजरमेंट नहीं किया था, हमने तो बीच से काट दिया और इसको नापा तो हमको मेजर किया तो इतना आया और दूसरे पीस को हमने मेजर किया तो इतना आया. आप पूछ रहे हैं कि काटने से पहले उन दोनों का लेंथ कितना था, उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी, उसकी ओरिजिनल लेंथ. तो हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों पीस की लेंथ को प्लस करके हम फाइंड आउट कर सकते हैं उसकी ओरिजिनल लेंथ. ओके, चलिए करते हैं. सॉल्यूशन लिखिए, हमको सिर्फ लिखना है लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस. फर्स्ट पीस का पीस का जो रो का जो फर्स्ट पीस है उसका क्या लेंथ है? 5 मीटर 36 सेंटीमीटर. ठीक है, फर्स्ट पीस. और सेकंड पीस लेंथ मीन सेकंड पीस का लेंथ या लंबाई कितना है? 4 मीटर 79 सेंटीमीटर. ठीक है, अब हमको क्या करना है? हमको टोटल लेंथ को फाइंड आउट करना है. टोटल लेंथ, ठीक. अब इन दोनों को क्या करो आप, पहले फाइंड आउट करना है हमको. पहले हम क्या करेंगे? मीटर और सेंटीमीटर जो हमारा हेडिंग है उसको लिख लेते हैं. फिर 5 मीटर और 36 सेंटीमीटर प्लस 4 मीटर एंड 79 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे. ठीक है, हमको यहां प्लस कर, क्योंकि दोनों पीस को लेंथ को हम प्लस करेंगे तभी तो हमको पूरा उसका एक्चुअल क्या है लेंथ फाइंड आउट होगा. ठीक है, 6 प्लस 9 सिक्स के बाद क्या आता है? 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ठीक है, 15 का हम क्या लिखे? 5 लिखे, देन 1 कैरी कर दिए इधर. ठीक,
देखो 1 + 3 = 4, 4 + 7 = 11, 11 को 1 यहाँ लिखे, कैरी यहाँ पर कर दिए, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड यहाँ कर दिए। अब उसके नेक्स्ट वाले कॉलम में 1 + 5 = 6, 6 + 4 = 10। तो रो को काटने से पहले में सर जब हमने दोनों पीसेस की लेंथ को प्लस किया तो उसका ओरिजिनल लेंथ हमको कितना मिला, 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। तो आप इसका आंसर लिखिए, आंसर हैंस, हैंस मीन्स इसलिए, ठीक है, द ओरिजिनल ओरिजिनल लेंथ ऑफ द रो इज कितना, 10 मीटर 15 सेंटीमीटर, 10 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ओके, नाउ वी विल सॉल्व अनदर क्वेश्चन ऑफ वर्ड प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज। वी हैव टेकन क्वेश्चन नंबर 7, मैंने क्वेश्चन नंबर 7 लिया है, ठीक है। आ पोल, पोल मीन्स क्या होता है, एक बड़ा सा डंडा जैसा होता है, स्टिक होता है बड़ा सा, ठीक है, स्टिक या डंडा होता है। अब पोल 8 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है, पोल का लेंथ कितना था, 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, वो क्या था, पोल लंबा था, ठीक है। वॉज पुट इन अ पॉन्ड, पॉन्ड मीन्स तालाब। 8 मीटर 75 सेंटीमीटर का जो पोल डंडा एक है ना, वो किसमें डला हुआ था, किसमें पुट था, पॉन्ड में, तालाब में, ठीक है, पॉन्ड में, तालाब में। टू मेजर इट्स डेप्थ, तालाब की गहराई को, डेप्थ मीन्स गहराई, तालाब कितना गहरा है उसको मेजर करने के लिए एक इतने मीटर लेंथ का पोल क्या था, डाला हुआ था, पुट किया हुआ था, ठीक है। देन इफ 4 मीटर 88 सेंटीमीटर ऑफ द पोल रिमेन्स आउटसाइड वॉटर, जब देखो जब पॉन्ड में इतने मीटर लॉन्ग क्या है पोल डाला था, उसमें से 4 मीटर और 88 सेंटीमीटर पोल क्या था, आउटसाइड था, वॉटर के ऊपर था, ठीक है। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड, तो पॉन्ड की गहराई कितनी थी, देखो मैं आपको एक डायग्राम फोटो बता रही हूं। सपोज ये क्या है, पॉन्ड है, पॉन्ड में तालाब है, ठीक है, ये तालाब है, ये क्या है, पॉन्ड, पॉन्ड में तालाब, ठीक है। अब उसमें पोल गड़ा हुआ, उसके अंदर पोल था, देखो उसके अंदर पोल, पोल डाला गया था, पोल में एक डंडा, ये पोल है, ठीक है, ये पोल है और ये क्या, पॉन्ड है, पॉन्ड में तालाब है, तालाब के नीचे में क्या डाला हुआ था, पोल। अब ये पोल का पूरा लंबाई कितनी है, इसका लेंथ कितना है, 8 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ठीक है, इस पूरे पोल की लेंथ कितनी है, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, ये पूरा क्या है, तालाब में डाला गया था, ठीक है। आप क्या बोल रहे हैं कि 4 मीटर 88 सेंटीमीटर जो लेंथ है, ये 4 मीटर 88 सेंटीमीटर जो है पोल, वो क्या है, वॉटर के ऊपर था, वॉटर के ऊपर की लंबाई है, ये वॉटर के ऊपर में जो हमको पोल दिख रहा है, नजर आ रहा है, उसकी लेंथ कितनी है, 4 मीटर 88 सेंटीमीटर। तो हमको फाइंड आउट क्या करना है, हमको वो फाइंड आउट करना है जो तालाब के पानी के नीचे का जो हिस्सा है, ठीक है, पोल के जो तालाब के नीचे जो इनसाइड है, इनसाइड एरिया को, इनसाइड वाला पोल को आपको क्या करना है, उसका लेंथ को फाइंड आउट करना है। अगर उसको फाइंड आउट करिए तो हमको पता चल जाएगा तालाब की गहराई कितनी है, ठीक है। पोल का जो आउटसाइड वाला है उसका लेंथ दिया है, इनसाइड को आपको क्या करना है,
फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करोगे, सिंपल से आपको मालूम है ये पोल इतना लंबा है, पूरा टोटल आपको लेंथ पता है, उसमें से बाहरी हिस्सा इतना है, तो आप इसमें से बाहरी वाला हिस्से का जो है उसको माइनस कर दोगे तो आपको अंदर में जो अंदर वाला जो हिस्सा पोल का जो हिस्सा है ठीक है वो आपको क्या हो जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलिए करके देखिए। अब इसका हम सॉल्यूशन लिखते हैं। फर्स्ट तो लिखेंगे लेंथ ऑफ पोल, लेंथ ऑफ पोल कितना, पोल का लेंथ कितना टोटल 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर। ठीक है, देन लेंथ ऑफ आउटसाइड पोल, जो तालाब के ऊपर का हिस्सा हमको दिया है आउटसाइड, ये देखो आउटसाइड वाटर, ठीक है आउटसाइड वाटर जो पोल है वो कितना था 4 मीटर 88 सेंटीमीटर। तो हमको क्या करना है, लेंथ ऑफ इनसाइड पोल, लेंथ ऑफ द पोल हमको यहां क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द पोल। तो हमको यहां डेप्थ करना है, तो आप यहां डेप्थ कर दीजिए, जो लिखा है वही करते हैं। डेप्थ मतलब गहराई, डेप्थ ऑफ द पोन, पॉन्ड का हमको क्या करना है, गहराई पता करना है। जब पॉन्ड की गहराई कैसे पता चलेगा, जो पोल का जो इनसाइड वाटर के अंदर जो इनसाइड एरिया अगर वो फाइंड आउट हो गया तो हमको पॉन्ड का डेप्थ भी ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, क्योंकि वो सी के इक्वल है। ठीक है, अब चलो अब मीटर और सेंटीमीटर, अब बेटा यहां पर माइनस हो रहा है, माइनस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले ऊपर बड़ा नंबर लिखते हैं। देखो यहां पर ये और ये, मैंने ट्रेन और इंजन वाला बताया था, तो सबसे पहले आगे वाला नंबर देखिए किसका, 4 और 8 में से दोनों में से बिगर नंबर कौन सा, 8, तो सबसे पहले हम उसको येलो नंबर को ऊपर लिखेंगे। ठीक है, मीटर देन सेंटीमीटर, हेडिंग लिख लिए, अब इसको लिखो 8 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर, देन 4 मीटर एंड 88 सेंटीमीटर, देन यू विल पुट साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन, देन मेक अ आंसर बॉक्स। ठीक है, अब 5 में से 8 जाएगा क्या, नहीं जाएगा, 5 क्या हो जाएगा क्योंकि स्मॉल नंबर है, 5 बिकम 15 एंड 7 बिकम 6। ठीक है, अब 15 फिंगर तो है नहीं, तो मैंने क्या बताया था, 8 से आप काउंट करो 15 तक, आफ्टर 8 9 10 11 12 13 14 15, तो कितना फिंगर आया आपको, 7। अब 6 माइनस 8 होगा क्या, सेम प्रॉब्लम ही है, बिकॉज 6 इज स्मॉलर देन 8। अब 6 क्या बन जाएगा, 16, किससे बोरो करके, 8 से बोरो करके, 8 क्या बन जाएगा, 7। हम यहां से भी कर सकते हैं ना, दिस की लाइन से मतलब नहीं कि हम नहीं कर सकते, यहां से जरूरत पड़ी थी कैरी यहां भी हो सकता है, बोरो यहां से भी हो सकता है। ठीक है, अब 8 भी है कि 6 को कितना बना दिया, 16, और खुद क्या हो गया, 7। ठीक है, अब 16 फिंगर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 8 की बार से काउंट करते हैं और 16 में क्या करेंगे, ब्रेक लगाएंगे, आफ्टर 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने फिंगर्स आए, 8, सो 16 माइनस 8 इज 8। ओके, नाउ 8 बिकम 7, सो 7 माइनस 4, 7 फिंगर तो निकाल सकते हैं हम, उसको 4 माइनस करो, 1 2 3 4, हाउ मच, 3। तो उस इनसाइड जो पोल था उसका पार्ट कितना है, कितना लंबा था वो, जो तालाब के नीचे का पोल की लंबाई 3 मीटर 87 सेंटीमीटर, यही पोल की इनसाइड वाला जो पार्ट है उसकी लेंथ है, और यही आपकी पॉन्ड का डेप्थ है या पॉन्ड की गहराई भी है। ठीक है, सो अवर आंसर इज, आंसर लिखिए, हैंस द
of the bond क्योंकि आपको यहां पूछा ना द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड तो यही आप लिखोगे द डेप्थ ऑफ द पॉन्ड इज 3 मीटर एट 87 सेंटीमीटर. ओके स्टूडेंट्स नाउ हियर योर चैप्टर नंबर 11 हैज ओवर. यहां पर आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया. ठीक है जो जो मैंने होमवर्क दिया प्लीज उसको यू विल डू इन योर मैथ्स कॉपी. ओके सो बाय बाय टेक केयर. ओके बाय.